किशनगढ़वास थाना क्षेत्र के ग्राम लंगड़वास में भैंस चोरी के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में उन्होंने थाना परिसर में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। सरपंच अशोक यादव के नेतृत्व में मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। साथ ही तिजारा विधायक महंत बालकनाथ को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। सरपंच के अनुसार हाल ही सतीश कुमार की दो भैंस और एक पाड़ी को अज्ञात चोर चुरा ले गए थे, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों को नहीं पकड़ पाई है। उधर थाना प्रभारी राजीव डूडी ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। दो भैंस और एक पाड़ी घर के अंदर से बेखौफ होके चोर आते हैं और कट्टे की बंदूक की नोक पर भैंस खोल के ले जाते हैं, और जिनका कट्टा भी बरामद हो गया है वो भैंस बैठा के कट्टा उनका वहीं गिर गया। और आज जो ये ग्रामवासी पंचायत के पूरे नुमाइंदा जो खड़े हैं 200 आदमी 300 आदमी करीब, ये पहले भी 14 तारीख को किशनगढ़ के इसी थाने में एकत्रित हुए थे। इससे तत्कालीन SHO माननीय दिनेश मीणा जी, वो एक दिन पहले या उस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था पूरे गाँव को और जबान दी थी कि मैं नया आया हूँ, नया SHO हूँ, आज मैंने ज्वाइन किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप धरना मत दो, विधायक पूर्व विधायक महंत बालकनाथ जी अन्य जो जनप्रतिनिधि उनके पास मत जाओ, मैं नया नया आया हूँ, आप मेरे ऊपर विश्वास करके देखो कि मैं आपकी भैंस बरामद करूँगा। पिछले दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन मैं दिनेश मीणा SHO किशनगढ़ बाद से फ़ोन के ऊपर बात करते रहे, कभी उठाए कभी नहीं उठाए, और फिर हम 5-7 लोग गांव के एकत्रित होके आए, उन्होंने बात तक नहीं की। वो एक हफ्ते रह गए, एक हफ्ते पीछे गो कसी वाला मामला होता है, एक हफ्ते नहीं तो 5 दिन पीछे गो कसी वाला मामला होता है। 5 दिन में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे गांव में लगातार पंचायतें हो रही हैं। पीड़ित पक्ष है जिसकी भैंस चुरी है, वो आज अलवर के बहुत बड़े हॉस्पिटल हरीश हॉस्पिटल में लंबी लंबी सांसें ले रहा है। पता नहीं ईश्वर भगवान उनकी कैसे करेगा, इतना पीड़ित है, बहुत गरीब आदमी था, खाने का आटा नहीं है, कोई उसकी सहायता नहीं है। गांव वाले सारे मिलकर उसकी सहायता कर रहे हैं और इस बात को लेकर पूरा गांव एक है। चाहे हमें मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, चाहे हमें कलेक्टर साहब के पास SP साहब के साथ धरना देना पड़े, जब तक हमारी भैंसें नहीं मिलेंगी, जब तक हमारा धरना यूं ही रहेगा।